मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट है तो उसकी इंपॉर्टेंस है किस चीज के कारण से, क्यों? क्योंकि ये आप जैसे देख रहे हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए बैकबोन का रोल प्ले करता है कौन? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये इतना पढ़ लिया हमने। अब अगर हम देखें, ठीक है, हेडिंग समझो कि क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या दे रहा है इंडस्ट्री को, ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी में कितना योगदान है, उस चीज को हमें क्या करना है, इस टॉपिक में समझना है। सिंपल डेटा है, फैक्ट है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, उतना पढ़ना है। ऐसे कोई बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ वन मार्क्स में, टू मार्क्स में क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, वो मैं समझा दूंगा क्या, ठीक है? तो अब जैसे यहां देखें तो ओवर द लास्ट टू डिकेड्स, अगर पिछले दो दशक को उठा के देखोगे आप, और ये पुराने डेटा के हिसाब से है, तो 1990s के बाद से देखोगे तो द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी, ठीक है? शब्दों का खेल है पूरा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिससे अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है पिछले दो दशकों में, डिकेड समझते हैं, डिकेड मतलब क्या होता है, डिकेड मतलब होता है कि 10 साल का एक पीरियड। तो पिछले 20 सालों में अगर जैसे देखोगे तो मैंने और ये डेटा जो मैं चीज और बता देना कि एनसीआरटी में डेटा उतना अपडेटेड नहीं रहता, तो पुराना 1990s के टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1990s से 2010, ठीक है, 10-15 तब की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप जैसे देखोगे तो क्या है, जीडीपी का जो जीडीपी में जो इंडस्ट्री है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्पेसिफिकली, उसका कंट्रीब्यूशन 17% पे स्टैग्नेटेड है, रुक गया है, 17% कंट्रीब्यूशन है पूरी इकोनॉमी में, 17% कंट्रीब्यूशन किसका, जीडीपी का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, फाइन। आउट ऑफ 27% ऑफ फॉर द इंडस्ट्री व्हिच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन 27% है। इस 27% का भी ब्रेकअप कैसा है, 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो कहां से आ रहा है, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो ऐसा चाहिए कोई एक्सपोर्ट करने वाली चीज, मतलब एक्सपोर्ट तो कर सकते हो लेकिन फिर भी क्या है, ये कोर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें ना, जिसमें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कुछ, ठीक है, तो वो नहीं है, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जो है, तो ये क्या है, ये कंज्यूम भी हो जा रहा है सारा मेजर लेवल पे, ठीक है। और अगर इसको हटा दो, ये कहीं ना कहीं प्राइमरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे हटा के दोगे इन सारे इंडस्ट्रीज को, माइनिंग को, क्वायरिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को, गैस को, उसके बाद जो कोर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रिमोट बन रहे, मार्चर बन रहे, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, इनका कंट्रीब्यूशन 17% है, ठीक है, 17% है, स्टैग्नेटेड है 17% पे। तो दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू द सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25-35%, ठीक है। अगर ये पूछा जाए 17% अच्छा है कि खराब है, मतलब कुल मिला के ये ना कि सर मेरे 80% आए क्लास में, ठीक है, तो आपके क्लास में 80% आए लेकिन पता लग रहा है कि वो पेपर ऐसा था कि सबके 99% आए, तो रिलेटिविटी वाला एक खेल रहता है। अब वही यहाँ पे पूछा है कि 17% कंट्रीब्यूशन अच्छा है पूरा है, तो आप इसे अगर कंपेयर करोगे किससे, ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, सिंगापुर, सिंगापुर साइड चले जाओगे घूमते फिरते, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा जैसे चाइना, जापान, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन इन देशों में अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी कितना है, तो इन देशों में कंट्रीब्यूशन है 25-35%। और कंपेयर करोगे इंडिया से, इंडिया में कंट्रीब्यूशन कितना है, 17%, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है, मतलब अभी और स्कोप है, अभी और पुश लगाना जरूरी है, ठीक है, अभी और पुश लगाना जरूरी है। सवाल ये आता है कि करोगे कैसे, ठीक है, इसे अगर एनालाइज करोगे आप, जिसे एनालाइज करने के लिए समझ में आता है क्या, कि द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रेंड है ग्रोथ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 7% पर एनम की स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं। डेटा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, बस ऐसे कोई मेजर क्वेश्चन नहीं आएगा। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, मतलब जिस दशक को हम अभी पीछे छोड़ के आए, ऐसा माना जा रहा था कि हम क्या 12% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेंगे, अभी 7 चल रहा था, ठीक है, 2000 से 2010 वाले डिकेड की बात करें, 10 से 20 वाले डिकेड की बात करें, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 12% से ग्रोथ रेट मिल जाएगी, लेकिन क्या होता है कि डिकेड खत्म होते होते जो आया कोविड, उनमें सब पूरी ग्रोथ के ऊपर पानी फिर गया, ठीक। तो उस तरह से आप ये चीज भी ध्यान रखना कि द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम, the desired growth rate over the next decade is 12%. Fine. Since 2003, manufacturing is again growing at the rate of 9-10% per annum. लेकिन अब जैसे आप यहाँ देखेंगे तो 2003 से manufacturing जो है तो वो 9-10% के speed से pace से grow करा है। तो अब ये कुल मिला के सांत्वना, मतलब
क्या कॉन्सोलेशन प्राइस का एक दे दिया कि हाँ हाँ ग्रो करेंगे इंसान ग्रो, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या, लेकिन क्या और किया जा सकता है, क्या किया गया है, ठीक है। तो हमने जो डिजायर टारगेट रखा है कि हम 12% ग्रोथ रेट अचीव करें, ठीक है, तो डिकेड चले गया लेकिन हम बुक में है तो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे देखेंगे तो विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन की गवर्नमेंट अच्छी तरह से चीजों को समझे, इंटरवीन करे, समझे कि कहाँ कमी रह गई है, वहां पे इंप्रूवमेंट पे फोकस करे, ठीक है। रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट करे कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारा टारगेट है हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के लिए बताया गया कि वी कैन रीच इफ दी थिंग्स गो इन लाइन, ठीक है, एक साथ एक ही लाइन में अगर काम करती है। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। अब एक सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि LMCC क्या है, why it was established, what was its objective? तो आप ध्यान रखना उसका objective ये था कि ये जो desired growth rate है, ठीक है, 12% का, वो achieve करने के लिए National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) had been set up with this objective, ठीक है। इसका objective ये था कि मतलब अब अगर दो नंबर में आ गए तो बस इतना लिख के जाए कि 12% achieve करना, नहीं उसको explain करो। देखो यही पता है बच्चे फंसते हैं, और जो लोग मेरे साथ इस चीज की ट्यूनिंग कर गए ना वो कहीं नहीं फंसेंगे, आई कैन प्रॉमिस यू। कि सवाल माथा देख के तिलक कर रहे जैसा होता है, माथा है ना सर, सिर देख के तिलक कर रहे जैसा होता है। आपको पता है दो नंबर का क्वेश्चन है तो अब आपके पास इतना है बस, अच्छा हमें तो इतना ही पढ़ा कि 12% अचीव करना है, तो दो नंबर का क्वेश्चन आ गया कैसे लिखेंगे, तो इसमें रोना आ रहा नहीं है। यहाँ दिमाग लगाओ, आप एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं ना कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंट्री में किस तरह से जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का जीडीपी में उसमें ग्रोथ लाया था, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब आप जो लिख रहे हैं वो गलत भी नहीं लिख रहे हैं, सही भी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप आंसर को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, आंसर को एक्सपेंड कर रहे हैं। च्युइंगम खाइए कभी, ठीक है, तो उसकी तरह क्या है, चीजों को थोड़ा खींचना सीखो, ठीक है, कंप्रेस करना सीखो, एंड दैट इज द ब्यूटी। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको फैक्ट्स बता दूं, आपने फैक्ट्स रख लिए और वहां पर जाकर उल्टी करके आ जाना। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाओ, ठीक है, अकेले वही वाली चीज बता रहा हूं, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाओ, इन द सेंस कि मैंने आपको बताया कि ये करना है वो आप करो, मुझे पता है। और जब आप खुद से करने लगोगे ना, दैट इज द डे व्हेन यू आर फ्री, ठीक है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, खुद से कर सकते हो आप, दैट्स द स्पिरिट, और वही आपको होल्ड करके आगे लेके जाना, समझ में आई ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी में ये सारी चीजें समाप्त होती है। उसी के साथ साथ एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, वो क्या है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, तो आप वहां से नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हो कब कौन सा सेशन आने वाला है, वन टू वन कनेक्टेड रहेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, जिन्हें आप मतलब जिन सारे फीचर्स में स्पेशल क्लास हो जाएगी, स्पेशल क्लास के साथ साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या जाएगा, लाइव क्विजेस वगैरह होती है, स्कॉलरशिप एग्जाम होती है, जिनसे आप बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारा सब कुछ आप और आसानी से कर सकते हैं। बस आपको एक सिंपल सा कोड इस्तेमाल करना है, DIGRAJ ऐप डाउनलोड करे बाद, और सारी चीजों को एक्सप्लोर करो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री जरूरी है, क्या कंट्रीब्यूशन है ये तो देख लिया, अब कहां इंडस्ट्री लगाई जाए, इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीज समझ में आई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच।